हेल्थ एंड वेलनेस साथ साथ, ब्यूटी वेलनेस साथ साथ, एजुकेशन इंफॉर्मेशन साथ साथ, आप होंगे हमारे साथ तो बनेगा व्यूज न्यूज साथ साथ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बदर आलम और आप देख रहे हैं व्यूज न्यूज साथ साथ। फ्रेंड्स, आज मैं हूं 40 पिटा रोड शाहीन बाग पर, जहां की एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस हो चुका है, जिसका नाम है क्ले किचन। ये कुछ फ्रेंड ने शुरू किया था और उन्हीं में से एक फ्रेंड है जो मेरे साथ हैं, उनका नाम है आदिल। तो आदिल से जानते हैं कि इसको शुरू करने के पीछे क्या रीज़न था। सर, इसको शुरू करने का एक रीज़न ये था कि चंपारण हम लोग गए थे एक बार घूमने के लिए, वहाँ पर हमने चंपारण मटन ट्राई किया और वहाँ से ये हमारे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ हम भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मार्केट में और लोगों को पसंद आएगा ये, बिकॉज़ हमें बहुत पसंद आया था। तो वहाँ से ही इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हम लोगों के आया, हम तीन फ्रेंड्स थे, इमरान, मैं और फैसल। तो वहाँ से ये डेवलप हुआ और वहाँ से हमने इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि मैं आज हूँ क्ले किचन पर और यहाँ मैंने कुछ कस्टमर से बात की, उन्हीं में से एक शादाब हैं जो यहाँ रेगुलरली आना पसंद करते हैं। तो शादाब भाई, आज क्या खाया आपने? आज मैंने ऑर्डर किया था अकबरी कबाब। सो बहुत काफ़ी अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्टली बैलेंस। सो या, इट इज़ अ मस्ट ट्राई। मेरा नाम फराज है और ये मेरी वाइफ आदिया है। हम यहाँ पे यूजुअली आते रहते हैं। यहाँ का हमें ना जो अपना टंगड़ी का कबाब है बहुत पसंद है, दूसरा यहाँ पे बिरयानी जो है बहुत बढ़िया है, अकबरी कबाब है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना क्ले को, कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें क्ले में मिलेगी। इससे आपको क्या होता है ना, जो गांव वाला जो फील होता है ना, वो आपको आता है यहाँ पर। आप जैसे लगता है कि गांव में बैठ के आप खा रहे हो, देसी जो बेसिकली देसी जो होता है वो आपको लग रहा है। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, मिट्टी के बर्तनों में खाना जल्दी ठंडा नहीं होता है। सो द बेस्ट थिंग ओवर हेयर इन क्ले किचन इज़ दिस अफगानी टिक्का। अफगानी टिक्का तो काफ़ी जगह यहाँ पे बहुत मिलता है, लेकिन द क्वालिटी एंड द टेस्ट ऑफ दिस अफगानी टिक्का ऑफ दिस क्ले किचन इज़ वेरी वेरी गुड। अफगानी चिकन टिक्का खा रहा हूँ मैं, तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये लगती है कि ये जूसी और टेंडर है, कि जैसे आप माउथ में च्यू करते हैं ये अंदर मेल्ट सा हो जाता है। और जैसे कि मैं रियाद सऊदी अरब में, मेरी पैदाइश है, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, तो मुझे मुगलाई क्यूजीन का बहुत शौक है। तो वहाँ ऐसा ट्रेडिशनल नहीं मिलता, यहाँ पे मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है क्ले पॉट मिट्टी का अपनापन सा फील होता है और ये एम्बियंस बहुत अमेजिंग सा है और यहाँ की स्टाफ बहुत फ्रेंडली सी है। तो मतलब ओवरऑल मैं इसे ए स्टार दूँगा। यहाँ पे जो चाय मिलती है ना, मटके वाली चाय मिलती है और जिसका जो टेस्ट है वो मिट्टी वाली खुशबू वाला टेस्ट आता है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और जनरली आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसको फ्री होने के बाद तो हम लोग 3 से 4 चाय यहाँ पे आके पी लेते हैं। अगर कोई खाना लेकर के जाना चाहता है, जो पैकिंग आप करते हैं, ठीक है, वो भी क्या मिट्टी के बर्तन में ही होती? बिल्कुल सर, हमारा ये है कि हाफ कुक तो नॉर्मल होता है और जो बनता है वो सारा का सारा मिट्टी में बनता है। हम सब भी मिट्टी में करते हैं जैसा आप देख सकते हैं। और प्लस जो हमारी पैकेजिंग है उसमें भी हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ भी हम यूज़ ना करें, तो हमारी जो पैकेजिंग है वो पूरी की पूरी क्ले पॉट्स के अंदर होती है। उसके बाद एक हमारा ये कार्टन होता है, उसके अंदर हम पॉट्स डालते हैं और उसके बाद वो लेके लोग जाते हैं, तो पूरा का पूरा वही, हम प्लास्टिक या किसी भी अलग चीज़ का यूज़ नहीं करते। सो फ्रेंड्स, ये थे आदिल जो हमको बता रहे थे क्ले किचन के बारे में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।